दोस्तों आज कवर करेंगे जीव विज्ञान, कोशिका विभाजन टॉपिक। मोस्ट इंपोर्टेंट ये टॉपिक है, सेल कोशिका। दोस्तों इनके ऊपर क्वेश्चन बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखते रहिए बिना स्किप किए दोस्तों, ताकि आपका कोई भी कोशिका विभाजन से क्वेश्चन छूटे ना। और चैनल पर पहली बार आए तो दोस्तों मैं रिक्वेस्ट करूंगा आपसे कि सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल दबा लें। तो दोस्तों प्रश्न है, यदि माइटोकॉन्ड्रिया काम करना बंद कर दे तो कोशिका में कौन सा कार्य नहीं होगा? ऑप्शन ए भोजन का अवकरण, बी भोजन का ऑक्सीकरण, सी भोजन का पाचन, डी भोजन का अवशोषण। तो दोस्तों अपना राइट ऑप्शन चूज करें। 3 सेकंड आपको हर क्वेश्चन का आंसर देने के लिए मिलेंगे और स्कोर हमें कमेंट बॉक्स में बिल्कुल जरूर से जरूर बताएं। ऑप्शन बी भोजन का ऑक्सीकरण। देखिए दोस्तों यदि माइटोकॉन्ड्रिया काम करना बंद कर देगा ना तो कोशिका में कौन सा कार्य नहीं होगा? भोजन का ऑक्सीकरण नहीं होगा। तो दोस्तों मेरे साथ याद करते हुए चलेंगे, बिल्कुल एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। नेक्स्ट, कोशिका का ऊर्जा गृह पावर हाउस किसको कहा जाता है? ऑप्शन ए गोल्जी कॉय, बी न्यूक्लियस, सी माइटोकॉन्ड्रिया, डी राइबोसोम। दीजिए अपना राइट ऑप्शन दोस्तों। ऑप्शन सी माइटोकॉन्ड्रिया। देखिए दोस्तों कोशिका का ऊर्जा गृह यानी कि पावर हाउस किसको बोला जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया को बोला जाता है। दोस्तों ये इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हर एक एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखते रहिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सबसे बड़ा कोशिका अंग है? ऑप्शन ए गोल्जी कॉय, बी प्लास्टिड, सी माइटोकॉन्ड्रिया, डी गुणसूत्र। तो दोस्तों अपना राइट ऑप्शन दीजिए, 3 सेकंड आपके पास। ऑप्शन बी प्लास्टिड। देखिए दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा सबसे बड़ा अंग है यानी कि कोशिका अंग है? तो दोस्तों वो है प्लास्टिड। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट, कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण कहां होता है? ऑप्शन ए गोल्जी कॉय में, राइबोसोम में, माइटोकॉन्ड्रिया में, सेंट्रोसोम में। तो दोस्तों अपना राइट ऑप्शन दीजिए, 3 सेकंड आपके पास। ऑप्शन बी राइबोसोम में। देखिए दोस्तों कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण कहां पर होता है? राइबोसोम के अंदर होता है, ध्यान रखेंगे। चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट, पादप कोशिकाओं का सबसे भारी आवरण कहलाता है? ऑप्शन ए कोशिका झिल्ली, बी कोशिका भित्ति, सी टोनोप्लास्ट, डी अंतःपरद्रव्य जालिका। तो दोस्तों अपना राइट ऑप्शन दीजिए, 3 सेकंड आपके पास। ऑप्शन बी कोशिका भित्ति। देखिए दोस्तों पादप कोशिकाओं का सबसे भारी आवरण क्या कहलाता है? कोशिका भित्ति कहलाता है। अब आगे हम पढ़ेंगे, देखिए दोस्तों जंतु कोशिका और पादप कोशिकाओं में क्या अंतर है, ठीक है, किस तरह से वो भिन्न है, बिल्कुल सारे क्वेश्चन यहां पर कवर करेंगे। नेक्स्ट, कोशिका को एक निश्चित रूप प्रदान करती है? ऑप्शन ए कोशिका झिल्ली, बी कोशिका भित्ति, सी गोल्जी कॉय, डी केंद्रिका। तो दोस्तों अपना राइट ऑप्शन दीजिए अगर पता है तो। ऑप्शन बी कोशिका भित्ति। देखिए दोस्तों कोशिका को एक निश्चित रूप प्रदान करता है कौन? कोशिका भित्ति, ठीक है, बिल्कुल ध्यान रखेंगे। और जो जो भाई सही आंसर लगा रहे हैं उनको मुबारक हो दोस्तों, आपकी जीके सही जा रही है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट, प्रोटीन निर्माण का सक्रिय स्थल है? ऑप्शन ए लाइबोसोम, बी राइबोसोम, सी गोल्जी कॉय, डी माइटोकॉन्ड्रिया। तो दोस्तों अपना राइट ऑप्शन दीजिए, 3 सेकंड है। ऑप्शन बी राइबोसोम। देखिए दोस्तों प्रोटीन निर्माण का सक्रिय स्थल कौन सा है? राइबोसोम है, ठीक है, प्रोटीन निर्माण का, ध्यान रखेंगे दोस्तों, बिल्कुल आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। नेक्स्ट, कौन सा कोशिकांग केवल पादप कोशिका में पाया जाता है? ऑप्शन ए कोशिका भित्ति, बी लवक, सी रिक्तिकाएं और डी उपरोक्त सभी। ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। देखिए दोस्तों कोशिकांग जो पादप कोशिका में ही पाया जाता है तो ये है कोशिका भित्ति, लवक और रिक्तिकाएं, ये जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता, बिल्कुल आगे सब कुछ कवर करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट, कोशिकीय श्वसन का सक्रिय स्थल है? ऑप्शन ए गोल्जी कॉय, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, लाइबोसोम। तो दोस्तों अपना राइट ऑप्शन दीजिए, 3 सेकंड आपको मिलते हैं। ऑप्शन बी माइटोकॉन्ड्रिया। देखिए दोस्तों कोशिकीय श्वसन का सक्रिय स्थल कौन सा है? माइटोकॉन्ड्रिया है, बिल्कुल। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट, फूलों और बीजों को विभिन्न प्रकार के आकर्षक रंग प्रदान करता है? ऑप्शन ए ल्यूकोप्लास्ट, बी क्रोमोप्लास्ट, सी क्लोरोप्लास्ट, डी टोनोप्लास्ट। तो दीजिए अपना राइट ऑप्शन दोस्तों। ऑप्शन बी क्रोमोप्लास्ट। देखिए दोस्तों फूलों और बीजों में आकर्षक रंग होते हैं ना, वो कौन प्रदान करता है? क्रोमोप्लास्ट करता है। कौन करता है दोस्तों? क्रोमोप्लास्ट, ध्यान रखेंगे दोस्तों। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट, कोशिका की आत्महत्या की थैली कहलाता है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, रेलवे, एसएससी, कोई ऐसा एग्जाम नहीं है जहां ये क्वेश्चन ना पूछा गया हो। ऑप्शन ए लाइसोसोम, बी राइबोसोम, सी न्यूक्लियोसोम, डी गोल्जी कॉय। तो दोस्तों अपना राइट ऑप्शन दीजिए, ऑप्शन ए लाइसोसोम। देखिए दोस्तों कोशिका की आत्महत्या की थैली किसको कहा जाता है? लाइसोसोम में कहा जाता है। तो दोस्तों ये ध्यान रखेंगे, बिल्कुल गांठ मार ले इस क्वेश्चन की, बिल्कुल ये पूछा जाएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है।
नेक्स्ट, 80 से अधिक कोशिका में पाए जाने वाला पदार्थ है। ऑप्शन ए प्रोटीन, बी चर्बी, सी खनिज, जल। तो दोस्तों अपना राइट ऑप्शन दीजिए, 3 सेकंड आपको मिलते हैं। ऑप्शन डी जल। देखिए दोस्तों 80% से ज्यादा कोशिका में कौन सा पदार्थ होता है? जल होता है, वो जल से बनी होती है, पानी से। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट, किसकी उपस्थिति के कारण किसी पादप कोशिका और पशु कोशिका यानी कि जंतु कोशिका में अंतर पाया जाता है? ऑप्शन ए क्लोरोप्लास्ट, बी कोशिका भित्ति, सी कोशिका कला, डी केंद्रक। तो दोस्तों अपना राइट ऑप्शन दीजिए, 3 सेकंड आपके पास। ऑप्शन बी कोशिका भित्ति। देखिए दोस्तों कोशिका भित्ति के कारण ही जो पादप कोशिका और जंतु कोशिका उनमें अंतर पाया जाता है, ध्यान रखेंगे दोस्तों, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट, गोल्जी कॉय का प्रमुख कार्य है? ऑप्शन ए श्वसन, बी कोशिका विभाजन शुरू करना, सी पाचक रस उत्पन्न करना, डी स्रावी। तो दोस्तों अपना राइट ऑप्शन दीजिए, 3 सेकंड आपके पास। ऑप्शन डी स्त्रावी। देखिए दोस्तों गोल्जी कॉय का प्रमुख कार्य क्या है? स्त्रावी है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग डीएनए रखता है? ऑप्शन ए माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी कॉय, लाइसोसोम और डी ऑप्शन है दोस्तों सेंट्रियोल। तो दोस्तों अपना राइट ऑप्शन दीजिए, 3 सेकंड आपको मिलते हैं। ऑप्शन डी सेंट्रियोल। देखिए दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग है जो डीएनए रखता है? तो वो है सेंट्रियोल। तो दोस्तों ये क्वेश्चन थे आपके कोशिकाओं के ऊपर, दोस्तों जहां से क्वेश्चन 1000 बार एग्जाम में पूछे गए हैं, बहुत ही ज्यादा तादाद में। और हम ऐसा ही वीडियो बनाते हैं दोस्तों कि जहां पर एक ही टॉपिक में सारे क्वेश्चन डाल दिए जाते हैं। तो दोस्तों वीडियो को जरूर देखा करें, रोज ये वीडियो आता है। और पहली बार चैनल पर आए तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको जरूर फायदा होगा एग्जाम के अंदर। चलिए दोस्तों मैं मिलूंगा अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।